नमस्कार, हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बिहार में कोरोना की मार है, कोरोना से जंग के पूरे इंतजाम हैं, उन्हें चलाने वाला कोई नहीं है। एम्बुलेंस है लेकिन ड्राइवर नहीं है। अस्पताल है लेकिन ताला लगा हुआ है। वेंटिलेटर है लेकिन चलाने वाला कोई नहीं। आपको बिहार की बदहाली का पूरा हाल बताएंगे, कैसे कोरोना काल में खराब इंतजाम से लोग बेहाल हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और साथ ही कई और खास मेहमान जुड़ेंगे अलग अलग पार्टियों से, जिन पर बिहार को लेकर खास तौर से हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार बदहाल है, सिस्टम लाचार है, महामारी का दौर है, कोरोना से लोग तड़प रहे हैं और लोगों को हॉस्पिटल पहुंचना है, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन यहां पर दर्जनों एम्बुलेंस खड़े होने से सवाल जरूर पैदा होता है। एम्बुलेंस है लेकिन ड्राइवर नहीं। लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। जैसे ऑक्सीजन और दवाई और बेड और वेंटिलेटर नहीं है, वैसे ही ड्राइवर भी सरकार को नहीं मिल रही है, जबकि ये सारे ड्राइवर बेरोजगार हैं, किसी के पास काम नहीं है। ये जाना चाहते हैं तो आप सरकारी में लगा दीजिए। बेड है लेकिन वार्ड में ताला लगा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में। ये सब डिवीजन हॉस्पिटल है जिसे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के तौर पर यानी अस्पताल के तौर पर यहाँ पर इसको तैयार किया गया था, लेकिन ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, उसके बावजूद भी बंद पड़ा हुआ था। वेंटिलेटर है लेकिन धूल फांक रहे हैं। 6 वेंटिलेटर्स जो सरकार ने मुहैया कराए हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं और आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल नए वेंटिलेटर्स हैं। भव्य अस्पताल है लेकिन बंद पड़ा हुआ है। किस तरीके से चुभती है ये तस्वीरें, जब देश में लोग एक एक बेड को तरस रहे हैं। वैसे में आप यहाँ देख लीजिए 40 बेड के इंतजाम यहाँ पर इस हेल्थ सेंटर पर है, लेकिन सब के सब खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए कोरोना केस बढ़ रहे हैं, लोग दम तोड़ रहे हैं। बिहार में बद इंतजामी की मार है, सिस्टम लाचार है। सिस्टम पूरी तरह से लाचार है। बिहार के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां पर सरकार काम कर भी रही है या फिर नहीं, इसको लेकर इस वक्त बिहार की जनता सवाल पूछ रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि ताजा मामला सीधे बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी से जुड़ा हुआ है, छपरा में एम्बुलेंस जो धूल फांक रही थी और कहा गया कि दरअसल ड्राइवर ही नहीं थे इस वजह से रखा गया था, जरा सोचिए हमारे नेता किस तरह से काम कर रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए कई खास मेहमान जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश रंजन और पप्पू यादव जो कि चीफ हैं जाप के, वो हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह से काम लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में वो कर रहे हैं उसके लिए उनके निश्चित तौर पर तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि ये जो एम्बुलेंस का मामला सामने आया है दरअसल इसको भी बेनकाब करने का काम पप्पू यादव की ओर से ही किया गया है। मृत्युंजय तिवारी स्पोक्स पर्सन आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही डॉक्टर सुनील सिंह स्पोक्स पर्सन जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन संबित, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, कोरोना के काल में गद्दारी, ये कोरोना काल से भी बड़ी महामारी है, इसको कैसे रोका जाए। अलग अलग हिस्सों में बिहार के रोती सिसकती माएं, वहां पर बेटे, अभी अभी मेरे पास खबर आई है कि अस्पताल की बदइंतजामी के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने अभी तुरंत मेरे पास यह खबर भेजी है। ये क्या स्थिति, ये क्या हाल बनाकर रखा है आप लोगों ने बिहार का, मजाक समझ लिया है? देखिए चित्रा जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बिहार के अस्पताल वेंटिलेटर्स इत्यादि के विषय में प्रवक्ता जेडीयू के बैठे हैं। जहां तक राजीव प्रताप रूडी जी का सवाल है और जिस प्रकार से उनके ऊपर लांछन लगाने की कोशिश हो रही है, उस विषय पर मैं आज पूरे तथ्यों के साथ आपके सामने प्रस्तुतिकरण करूंगा। चित्रा जी, व्यक्तिगत रूप से आप भी, मैं भी और यहाँ पैनल में जितने लोग हैं राजीव प्रताप रूडी जी, उनकी शालीनता को और किस प्रकार से वो इतने वर्षों से, जब से वो सांसद हैं, मंत्री रहे हैं, उनकी निष्ठा को हम सब जानते हैं।
मैं अभी थोड़ी देर पहले राजीव प्रताप रूडी जी के ऑफिस से मैंने ये कागज मंगाया। ये कागज है, प्रतिदिन राजीव प्रताप रूडी जी को कितने टेलीफोन आते हैं, मुख्यतः किन विषयों पर टेलीफोन आते हैं। मैं कल का देख रहा था, 479 टेलीफोन आए हैं, उसमें से जो अधिकांश 225 जो टेलीफोन आए हैं वो कोरोना इंफॉर्मेशन के लिए, कोरोना मदद के लिए आए हैं। 42 जो फोन आए हैं वो एम्बुलेंस के लिए आए हैं, बाकी अलग विषय है। राजीव प्रताप रूडी जी को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो एम्बुलेंस बोलिए ना संबित पात्रा, मैं एम्बुलेंस पर ही बोल रहा हूँ, किस पे बोल रहा हूँ? मैं सुखाने के लिए एम्बुलेंस रखी गई थी, 25 की 25 एम्बुलेंस। चलिए मैं एम्बुलेंस के बारे में बोलता हूँ। देखिए राजीव प्रताप रूडी जी, पहले तो सारण जिले में, जिस जिले की हम बात कर रहे हैं, वहां पर 225 पंचायत में प्रत्येक पंचायत को एक एम्बुलेंस मिले, इस कवायद के साथ वो एमपीलैड को लेके विगत 6 वर्षों से काम कर रहे हैं। और सारण एकमात्र ऐसा जिला है पूरे हिंदुस्तान में, और राजीव प्रताप रूडी जी एकमात्र ऐसे सांसद है जिन्होंने प्रत्येक पंचायत के लिए एक एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करना उचित समझा। सबसे ज्यादा एम्बुलेंस एमपीलैड से उसी क्षेत्र में है। 80 एम्बुलेंस प्रोक्योर हुए, जिनमें से 65 एम्बुलेंस आज भी 56 फंक्शनल है और 5-6 जो है नॉन फंक्शनल है। 65 एम्बुलेंस आज भी वहां पे कार्यरत है, दौड़ रही है। हाँ, लगभग 18 से 20 एम्बुलेंस ऐसे हैं जो विगत कुछ समय से, कुछ महीने से किसी का ड्राइवर नहीं काम पे आया है, किसी का ड्राइवर कहीं छोड़ दिया है, वो लाके एक समुदाय भवन में रखे गए थे। और आप देखिए किस प्रकार से एक इश्तिहार भी दिया गया है लोकल अखबार में, ये एम्बुलेंस के ड्राइवर की आवश्यकता है, और कोई भी ड्राइवर मिले तो तुरंत आप आके नौकरी में ज्वाइन करिए। केवल उतना ही नहीं, आप दूसरा पत्र भी देख सकते हैं, ये पत्र डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा गया है राजीव प्रताप रूडी द्वारा, कि इस प्रकार से एम्बुलेंस जो एमपीलैड से प्रोक्योर किए गए थे, उन एम्बुलेंस में ड्राइवर की कमी है, आप त्वरित इस पर ड्राइवर को अपॉइंट करिए। बहुत सारे ऐसे ड्राइवर होंगे जो सरकारी ड्राइवर होंगे और अभी शायद काम पे नहीं होंगे, तनख्वाह ले रहे होंगे, आप उनको चल प्रचलित करिए ताकि तुरंत आके वो एम्बुलेंस के कमान को संभाले और ये एम्बुलेंस दौड़े। कब लिखा गया था ये, तारीख बता दीजिए? तारीख ये 6 मई का है, उससे पहले भी टेलीफोनिकली किया है, और ये इश्तिहार उससे पहले का है, ये इश्तिहार 15 दिन पहले का इश्तिहार है। लगातार जिस प्रकार से राजीव प्रताप रूडी जी, और आज भी आप सारण की जनता से पूछिए, वहां एम्बुलेंस 65 एम्बुलेंस लगभग दौड़ रही है, वहां का कुछ तो इनके एमपीलैड्स के एम्बुलेंस है और कुछ एम्बुलेंस स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ करके किया गया। चलिए ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लेती हूं पप्पू यादव जी। जब 65 एम्बुलेंस दौड़ रही है तो बीजेपी सवाल पूछ रही है, फिर क्यों लाभ लश्कर के साथ आप पहुंच गए थे? जरा विस्तार से बताइए, आपको कहां से जानकारी मिली कि 25 एम्बुलेंस रखे गए हैं? फिर आपने ड्राइवर के साथ जाकर राजीव प्रताप रूडी जी को बताया कि मेरे पास ड्राइवर है, इनमें से भर्ती कर लीजिए, ये सब बेरोजगार है। वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को आप दिखाई, बताइए पप्पू यादव जी। पहले तो इनको जानकारी कानून का बता दें, ये डॉक्टर है, जाना चाहिए। प्रवक्ता का काम बहुत लोग कर लेंगे, ये डॉक्टर का काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये अच्छा व्यक्ति भी है, अच्छा बोलते भी है, डॉक्टर भी मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। मैं इनको बता दूं, एमपीलैड पप्पू जी आप हमारी चिंता मत करिए, आप बताइए। पहले एमपीलैड जो होता है वो सरकार का होता है, हम सिर्फ रिकमेंड करेंगे, हम किसी के घर पर नहीं लगाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जमीन है इस पे 9 करोड़ रुपया आपने स्किल का पैसा लगा दिया, क्या सरकार का पैसा आप किसी के जमीन पर किसी को घर बनाने दे देंगे? ये इंक्वायरी का विषय है, आप कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 9 करोड़ स्किल का पैसा किसी व्यक्तिगत जमीन पर कैसे लग सकता है जब तक कि वो जमीन गवर्नर के नाम से नहीं होगा? उस पहले कहा इन्होंने कि ये हम खोल रहे हैं कैंसर के लिए, फिर आंख के लिए, फिर स्किल के लिए, और अब वहां पर एम्बुलेंस लग गए, ऑफिस हो गए। पहले तो सुनिए ना, पहले सुन तो लीजिए। एम्बुलेंस वही है, मैंने इसलिए कहा एम्बुलेंस सिविल सर्जन के अंडर होगा, किसी ब्लॉक में किसी अस्पताल के पास होगा, पंचायतों के अस्पताल के पास होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के पास एम्बुलेंस नहीं हो सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट संचालन समिति के पास एम्बुलेंस है, नहीं पहले सुनिए एम्बुलेंस संचालन समिति के पास, किसी व्यक्ति के पास नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये एम्बुलेंस आपको मैं सम्मान करता हूँ, आप जानते हैं, फिर ये फालतू बात संबित भाई, आपको फालतू बात नहीं है, मैं पैर पकड़ता हूँ। आपने कहा संबित भाई, मैं पैर पकड़ता हूँ, आपको बोलने दीजिए। अरे आपको मैंने सुना जी, हम आपका सम्मान करते हैं, सच्चाई तो आना चाहिए ना पप्पू जी। संबित भाई हमको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। बोलिए बोलिए, मैं दो बात कहना चाहता हूँ। इसके जो पैसे 400, 600, 800 जो रुपया लिए गए, वो रुपया किसके जेब में गए? सरकार के अकाउंट में क्यों नहीं गए? वो किसी वर्कर को बेनिफिट पहुंचाएंगे? 3-4 क्या मुखिया जी का होगा? 7.5 सालों से ये एम्बुलेंस लगी हुई है। मैं चुनौती देता हूं
एमबीआई से किसी से आप जांच करा ले, सवा सालों से लगी हुई है। दूसरी चौथी चीज गलत, ये गडकरी साहब का जो देश के सबसे लोग अच्छे मंत्री हैं उनका फोटो है, ये वहां पर प्रशिक्षण केंद्र का स्किल के द्वारा ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र का खोले थे वो बंद पड़ा हुआ है। ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र खोलने के बाद ड्राइवर नहीं है। आप पहले कानून पढ़िए कि जब हम कोई टेंडर जब रोड बनाते हैं तो हमारा बेटा नहीं बनाएगा, वो टेंडर डीएम के सिग्नेचर से पैसा आता है और डीएम तय करेगा कि कौन से टेंडर होंगे। यदि मैं बस दिया, पप्पू यादव ने निजी पैसे से एम्बुलेंस दिया है सारे जिलों को अपने निजी पैसे से, यूनिवर्सिटी में बस वो मैं दे दिया, लिखित दे दिया कि फिर दोबारा नहीं लूंगा। ठीक है, मैं आ रही हूँ। आज पप्पू यादव जी सवाल उठता है, ठीक है, आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है, मैं उसको तुरंत ठीक कर रही हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर से उठाए गए हैं संबित पात्रा। अगर हम ये कहेंगे कि अखबारों में इश्तहार दिया जा रहा है और हमने कागज लिखा, हमने पत्र लिखा, लोग इसको मजाक समझेंगे जो खुद उनके साथ हो रहा है। आपको पता है कि बिहार की स्थिति क्या है सर, और ये बताने ये तस्वीरें बोल रही है खुद, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कोरोना का ये प्रचंड काल चल रहा है संबित पात्रा, और एक ऐसे वक्त में आप देखिए, आपने बकायदा राजीव प्रताप रूढ़ी जी का पूरा नाम भी लिखा हुआ है उस पर, पूरा चमक रहा है उसमें से भगवा, लेकिन एक ऐसे वक्त में भी अगर इन गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होता है तो जरा सोचिए कि बिहार की जनता क्या सोचेगी अपने नेताओं को लेकर जिनके लिए उसने वोट किया है। संबित पात्रा, देखिए मैं बिल्कुल जवाब देना चाहता हूं और आराम से जवाब देना चाहता हूं। पहला विषय यहां कहा गया कंट्रोल कौन कर रहा था, कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट एम्बुलेंस संचालन समिति कर रही थी, जो डीडीसी और सिविल सर्जन उसको हेड करते हैं। देखिए जिलापाल जो होते हैं, जो कलेक्टर है, उनके पास इन पूरे एम्बुलेंसेस का हिसाब किताब है, और ये बहुत गलत बात कही गई कि डेढ़ साल से यहाँ पर एम्बुलेंस मौजूद है, एम्बुलेंस का आवागमन हुआ है, कुछ एम्बुलेंस 15 दिन पहले आए हैं, कुछ एम्बुलेंस 20 दिन पहले आए हैं, कुछ एम्बुलेंस 2 महीने पहले आए हैं जब उनका ड्राइवर छोड़ के गया है। यहाँ किलोमीटर वाइज कौन सा एम्बुलेंस, ये तर्क ना गले के नीचे नहीं उतर रहा है संबित पात्रा, आप भी जान रहे हैं। ड्राइवर चला गया क्या मतलब है, ड्राइवर गया तुरंत रखिए, किसी भी बड़े नेता का ड्राइवर चला जाता है उनका काम चलता है क्या? आपका खुद का ड्राइवर अगर चला जाए, राजीव प्रताप रूढ़ी का ड्राइवर चला जाए, तो 15 दिन का आप इंतजार करेंगे क्या? ये कौन सी बात है? और आपको पता है कि लोग मर रहे हैं वहां पर संबित पात्रा। सुनिए, नहीं नहीं चित्रा जी गलत बात है, वहां पर 65 एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूढ़ी जी की कार्य। अरे तो वही तो पूछ रही हूं, 65 चल रहे हैं तो 25 क्यों सजा कर रखे गए थे वहां पर? 18 है वो, 25 नहीं है, 18 है, पहले तो संख्या को चले ठीक है 18 कर लेते हैं, 15 कर लेती हूँ। चलिए 15 भी अगर दिन भर में चलेंगे तो 100 मरीजों को सहूलियत दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? चित्रा जी आप पहले उत्तर तो सुनेंगी ना। चित्रा जी मैं एक सवाल आज पूछ लेता हूँ, चलिए पप्पू जी ने इस विषय को उजागर किया। पप्पू जी मेरे साथ परसों एक डिबेट में थे, उन्होंने अपने पीछे 7 वेंटिलेटर रख के डिबेट किया कि देखो मेरे घर में 7 वेंटिलेटर है। आप बताइए 7 वेंटिलेटर पप्पू जी के घर में क्यों था? पकड़ के ले जाइए ना, पुलिस आपकी है, किसने मना किया है? पकड़ के डालिए उनको जेल में अगर वो 7 वेंटिलेटर अपने घर में रख रहे हैं तो। अरे चित्रा जी पहले सुन तो लीजिए, आपने बुलाया सुन तो लेंगी ना। 7 वेंटिलेटर अपने घर में, 5000 रेमडेसिविर इंजेक्शन अपने घर में रखा हुआ था। जब हमने पूछा कि आपने घर पे 5000 रेमडेसिविर इंजेक्शन क्यों रखा है, उन्होंने कहा मैंने इनको ब्लैक में खरीदा है और सस्ते दाम में लोगों को दे रहा हूं। अच्छी बात है सस्ते दाम में लोगों को दे रहे हैं, मगर मेरा प्रश्न आज पप्पू जी से है कि आपने ब्लैक में खरीदा क्यों? क्यों ब्लैक, आपने ब्लैक वाले सिस्टम को बढ़ावा क्यों दिया? आप पूछिए पप्पू जी से, पप्पू जी यहां मौजूद हैं। सिस्टम को वो बढ़ावा दे रहे हैं, आपके पास पूरी जानकारी है, सालों से आपकी बिहार में सरकार है और आप कह रहे हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक होल्डिंग क्यों कर रहे हैं? संबित पात्रा प्लीज, जिसकी सरकार होती है ना उसका बोलबाला होता है, और अगर लग रहा है कि पप्पू यादव गलत कर रहे हैं तो उनको उठाइए और जेल में डालिए। इस तरह की बातें करने का यहाँ पर वक्त नहीं है सर, गलत बात है। मैं आपको बता रही हूँ एक और, अब मैं मुझे लगता है जेडीयू के प्रवक्ता को लेकर भी आए, जेडीयू के लोगों ने भी बिहार को मजाक समझ के रखा है। एक सेकंड तो सही, उन्होंने इतने वेंटिलेटर अपने घर में क्यों रखे थे? ठीक है, जैसे ही उनका वीडियो ठीक होता है, उनको ऑडियो आता है, मैं ये सवाल पूछूंगी, लेकिन मैं तो आपसे कह रही हूँ ना कि जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। किसने रोक के रखा है आपको? आप उनको अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आपकी पुलिस है ना सर, वो दिल्ली या बाकी दूसरे राज्य जैसा तो है नहीं, आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है, इतनी मजबूत सरकार है, बीजेपी के पास ज्यादा ताकत है जेडीयू से, तो पकड़िए जेल में रखिए। किसका मना किया है? गलत बात है, कोई गलत काम करेगा और उसको अगर आप पकड़ेंगे तो कोई सवाल उठाने नहीं जाएगा संबित पात्रा। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सुनील सिंह जी आपसे, ठीक है सर, डॉक्टर सुनील सिंह जी अब आपसे, चूंकि जेडीयू के नेता मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जरा तीनों अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को, बिहार की ये तस्वीरें पता है तमाचा है बिहार सरकार के ऊपर। 60 बेड का जो अस्पताल है वो बंद पड़ा हुआ है सहरसा में। सुपौल की तस्वीरें देखिए जहां पर वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं।
22 एम्बुलेंस की तस्वीरें आपके सामने है, ये तो आज की खबर है। खुद बता रहे हैं यहाँ पर पप्पू यादव और राजीव प्रताप रूढ़ी इसको लेकर सवालों के घेरे में हैं। पप्पू यादव के पास हम चलेंगे, लेकिन डॉक्टर सुनील सिंह जी, बिहार की जनता का आपने मजाक बना रखा है, अगर वो 15-20 सालों से आपको बार बार चुनकर भेजती है तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो आपसे सवाल नहीं पूछेगी? सर, लोग मर रहे हैं और अस्पताल पर ताले पड़े हुए हैं, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? चित्रा जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि किस कानून के तहत पप्पू यादव जी लॉकडाउन तोड़ते हुए? सर, अब आप कानून की बात बाद में समझाइएगा, ये पहले जो नहीं सर एक सेकंड, ये फिर कानून की बात क्यों समझा रहे हैं ना सर, आप सरकार में हैं सर। नहीं नहीं, आप सवाल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। पप्पू यादव पर बाद में जाइएगा, यहाँ पर जो जनता मर रही है उस पर जवाब दीजिए ना सर। आप 10 सेकंड उसको भी देंगे, 10 सेकंड दें आप। आपके लिए जनता महत्वपूर्ण है या पप्पू यादव महत्वपूर्ण है? 10 सेकंड देना आप हमको, उस पर आपकी बात के जवाब देंगे। किस कानून के तहत लॉकडाउन के नियम की धज्जी तोड़ते हुए वो जाके छापा मारते हैं, कौन कानून के तहत? सर, आप नहीं करेंगे कोई तो करेगा ही ना। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई तो कर रहा है ना सर। आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम ये 20 जो एम्बुलेंस को काम में आ जाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं सुनील सिंह जी आप, कैसी बात कर रहे हैं सुनील सिंह जी आप? आप जेडीयू, आप सरकार के प्रवक्ता हैं, आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? सुनेंगे आपको, बोले तो दें, हर बार ऐसा नहीं होता ना। दूसरा, हमको ये बताइए, वहां के एम्बुलेंस को क्षति पहुंचाई गई, ऑक्सीजन सिलेंडर गायब हुआ, कोई व्यक्ति वहां मास्क नहीं पहने बैठा, लॉकडाउन के वक्त ये छापा मारना, ये महामारी एक्ट के अंदर में बुक करने की बात है कि नहीं? सर, नंबर तो सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप, पकड़िए ना उनको। सवाल क्यों पूछ रहे हैं उनसे आप, पकड़िए ना उनको, बैठे हुए हैं टीवी पर, भेजिए अपनी पुलिस, गिरफ्तार कीजिए। किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? बात नहीं, आप कभी रेमडेसिविर 5000 रहता आपका, उसका वेंटिलेटर आप देते हैं। देखिए, राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए स्तरहीन राजनीति करना एक बड़े नेता को शोभा नहीं देता। एक पार्टी के वो सुप्रीमो है, वो अभी उनको अगर बहुत ऊर्जा अगर है। सर, आपके लिए बिहार की जनता ज्यादा महत्वपूर्ण है या पप्पू यादव, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं पूछ रही हूँ, लोग दम तोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं पप्पू यादव। मैं कह रही हूँ कि अस्पताल में धूप वेंटिलेटर क्यों खा रहे हैं, आप कह रहे हैं पप्पू यादव। सर, पप्पू यादव से बाहर निकलिए ना। नहीं, पप्पू यादव जी बड़े नेता है, एक बड़े पार्टी के, उनकी ऊर्जा बहुत है, लेकिन अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें। सारी राजनीति जितने भी घपला हुआ, घोटाला हुआ, उसका वो अपना वो काउंटन काम करें। सर, एक सेकंड सर, अभी कोरोना का समय, पप्पू यादव से थोड़ा बाहर निकलिए ना सर। मैं आपको बता रही हूँ, अभी अभी भागलपुर से खबर आई है सर, अभी तुरंत की बात मैं बता रही हूँ। आशुतोष हमारे संवाददाता वहां पर हैं। भागलपुर में एक को आईसीयू मिल जाता तो वो बच जाता, और एक जिंदा मरीज लेकर आया अस्पताल में, और एक घंटे के भीतर ही अस्पताल की ओर से लाश पकड़ा दी जाती है। परिवार के लोग कहते हैं कि कागजी कार्रवाई में ही पूरा वक्त लग गया और इस वजह से उनको जगह नहीं मिली। सर, दूसरा, सहरसा में अस्पताल में ताला बंद है। सर, मधेपुरा में 800 करोड़ का आपने अस्पताल बनाया है, वहां पर डॉक्टर्स की कमी है। अब जाकर कुछ दिन पहले हम सब ने देखा है किस तरह से डॉक्टर की जल्दी जल्दी भर्ती की जाए, इसको लेकर आदेश दिया गया है। सर, जनता आपको बार बार इसलिए नहीं चुनती है कि आप उसको सड़क पर मरने के लिए छोड़ दें, यह आपकी जिम्मेदारी है। और पप्पू यादव आपके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं होने चाहिए जितना नाम आप उनका ले रहे हैं। आप बताइए ना कि जो लोग मर रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं आप सुनेंगे, सुनने के लिए सरकार पूरी तरह से। आप भागलपुर की जो बात कर रहे हैं, बेड लोगों को, ये कोरोना की द्वितीय लहर अप्रत्याशित है, लेकिन पूरी तरह चिकित्सक सरकार लगी हुई है और लोगों को बेड मिल रहा, लोग बच रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा रिकवरी रेट, मैं बोस्ट नहीं कर रहा, ये कोई घमंड करने का समय नहीं है, लेकिन हमारा रिकवरी रेट अन्य राज्यों से अच्छा है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हम सरकार मेहनत कर रही है। हम कोई भी चीज बड़े कठिन डिसीजन जो लॉकडाउन के हैं, हम तो सारे विधानसभा चुनावों के दौरान भी हमने देखा था, रायशुमारी के बाद 99% तक अपने अखबारों के जरिए सुर्खियां आप लोग बटोर रहे थे। सर, मैं तो अभी की बात कर रही हूँ, वो आदमी मर गया है, आप कह रहे हैं कि रिकवरी रेट हमारा बेहतर है। बंद के कमी के कारण चालू नहीं हुए हैं, उनको हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सारे वेंटिलेटर यूज होंगे, ये प्रक्रियाधीन है, ये टेक्निकल चीज है। लेकिन ये कहना कि अस्पताल खाली है, चित्रा जी, ना इंसाफी है। सर, क्या बात कर रहे हैं, हमारे संवाददाता रोहित ने रिपोर्ट दिखाई है, अस्पताल पे ताला लगा हुआ था। सर, झूठ बोल रहे हैं आप, सीधे नेशनल टेलीविजन पर बैठकर सुनील जी, रोहित हमारे सहयोगी जिनका नाम आप भी जानते होंगे, ताला लगा हुआ था, उन्होंने ताला खुलवाया, हमारी खबर का असर हुआ, कल जाकर ताला खुला है। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील सिंह, आप झूठ बोल रहे हैं आप नेशनल टेलीविजन पे बैठकर। हम लोग सरकार संजीदगी से देखेंगे, लेकिन मरीज है, मरीजों को दवाइयां मिल रही है, आवश्यक ऑक्सीजन मिल रहे हैं और मरीज भरे हुए हैं, खाली अगर कहीं है, आप अगर दिखाती हैं
तो कुछ कारण होगा जो हम तो देखेंगे, ऑफ एंड पूछेगा तो हम जवाब नहीं दे सकते सर। कब देखेंगे जब लोग मर जाएंगे, क्या मतलब देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यही कहते कहते तो 15-16 साल से आपकी सरकार है, उससे भी ज्यादा समय हो गए और अभी भी आप देखेंगे ही सर, तो फिर जनता चुनावों के दरमियान भी आप लोगों को देखेगी सर। इस तरह की बहसबाजी का ये वक्त नहीं है, आप बिहार को रोल मॉडल के तौर पर रखते ना देश के सामने, आपकी तो वहां पर मुख्यमंत्री कितने सालों से है नीतीश कुमार, भले ही वो जिसके भी साथ रहे लेकिन उनके हाथ में ताकत है ना सर, आप एग्जांपल बन के दिखाइए। सारे अस्पतालों को खाली दिखा करके भ्रम की स्थिति, यहाँ पूरी तरह मरीज गलत बयान निकल रहे हैं। पप्पू यादव जी, आप अपनी बात रखिए, आप हाथ उठा रहे थे, उसके बाद में अब आरजेडी से मृत्युंजय जी जुड़े हुए उनके पास। देखिए मैं दो तीन बार मैं धन्यवाद दूंगा रोहित और चित्रा बहन आपको कि बहुत गंभीरता के साथ बिहार के पूरे परिप्रेक्ष्य को, आईसीयू रूम नहीं है, वेंटिलेटर के लिए चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं है, आरटीपीसीआर का जो रिपोर्ट आता है वो 10 दिनों में आता है, आप मंत्री निकले ना, मुख्यमंत्री निकले ना, आपने बाढ़ में नहीं देखा था चित्रा बहन की कितने दिनों के बाद यह सरकार निकली थी, आपने चिमकी बुखार में नहीं देखा, अगले बार कोरोना में नहीं देखा, और इस बार आप सभी लोगों ने नहीं देखा कि एक भी मंत्री, एक भी क्या एक बार भी स्वास्थ्य विभाग के MD ने निकला, कोई अस्पताल गए, क्या हालात है, मैंने आपको शमशान का चरित्र दिखाया, इन्होंने तो मौत के आंकड़े को छुपाने की कोशिश की, मैंने तो गिनाया बहन आपको एक एक चीजों को, ये रेमडेसिविर और हमारे इनको दर्द है, 25 लाख रुपया लगा करके लोगों के पैसे इकट्ठा करके किसी तरीके से मैंने वेंटिलेटर खरीदा, डॉक्टर के कहने पर मैं वहां भेजता हूँ, वो मेरे पैसे वो कह रहे हैं आप जमाखोरी कर रहे हैं, पैसे है। वो जनता के पैसे हैं और सारे डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बहन सब कुछ जानते हैं और देश की और बिहार की जनता जानती है, 1 लाख रुपये में रेमडेसिविर दिल्ली में बिकता है, 1 ICU बेड नहीं है, आपके आज तक में कितने बहन, कितना भाई सरदाना का क्या हुआ, कितना भाई बहन, मैं नहीं नाम लूंगा, नाम लेना उचित नहीं है, बताइए मुझे, रेमडेसिविर की मुझे कारण नहीं गए हैं ऐसा नहीं, अरे चुकिए चुकिए आप रखे हुए हैं आपके पास 5,000 भैया, इसकी सरकार आई तो चुनौती देता हूँ, इसे पूछिए ना कि बड़े व्यक्ति का पैसा मुहैया कराई गई थी, इसे पूछिए सरदाना जी को, इसे पूछिए कि 580 रुपया 11,000 करोड़ जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, ये बात हुई थी, मैंने सुन लिया, अब मैं जवाब दे रहा हूँ, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं नहीं ठीक है सर, इससे आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड सर, पप्पू यादव जी, क्या आप जमाखोरी करके रखे हुए हैं तमाम इंजेक्शन दवाइयां जिसकी किल्लत और कमी हो रही है, सीधे आप जवाब दीजिए जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मृत्युंजय जी मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास, देखिए जब जब ये चोरी करेंगे इनका प्राइवेट नर्सिंग होम, और जब पप्पू यादव 20,000 30,000 हो, जब मेरी माँ बीमार होगा, जब किसी पत्रकार की बहन बीमार होगी, जब कोई IG का बेटा बीमार होगा, चित्रा जी मैं एक सवाल पप्पू जी से पूछना चाहता हूँ, अनुमति हो तो सर, पत्रकार या फिर बाकी लोगों की बात नहीं है, आम जनता भी जिसके पास पैसे नहीं है वो भी सवाल पूछ रही है, अब समय में फौरन मृत्युंजय तिवारी जी बहुत देर से हमारे साथ बैठे हुए हैं, एक भी टिप्पणी होनी चाहिए, मैं निवेदन करूँ, मुझे 20 सेकंड का, बोलिए बोलिए बोलिए, मुझे हिम्मत है सुई दिलाने की, पप्पू जी प्लीज शांत हो जाइए, देखिए पप्पू जी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, शांति से आपसे बात कर रहा हूँ, जिसके पास सत्य होगा वो शांति से बात करेगा, वो चिल्लाएगा नहीं, और मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने वाला हूँ, अगर आपको लगता है कि आप सही रास्ते पे हैं तो आप मुझे सवाल पूछ देंगे और आप सुनेंगे, रोहित रोहित को किसी ने नहीं मारा, प्लीज चित्रा कहिए जरा मुझे, सर मैंने उनको करेक्ट कर दिया है, संबित पात्रा मैंने उनको करेक्ट कर दिया है, आप ये बताइए बिहार की जनता मर रही है उसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी तय की जाए, आपकी या JDU की, आप सुन आपकी या JDU की, आप बताइए ना सर, देखिए मैं आप सुन तो ले, चित्रा जी आप चाहती है एक सार्थक डिबेट हो, चिल्लाने से तो नहीं, शांति से बात कर रहा हूँ, पप्पू यादव भाई कोर्ट ने क्या, देखिए मैं भी लगातार चिल्ला सकता हूँ, एक बार सुन लीजिए पप्पू यादव जी प्लीज, ऐसे नहीं ठीक है चित्रा, एक बार उनकी वो चुप हो गए हैं, ठीक है, मैं शांति से पूछना चाहता हूँ, पप्पू जी देखिए मैं तथ्यों के साथ डिबेट करता हूँ और मैं आपसे कोई आक्षेप नहीं करने वाला हूँ, मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, पप्पू जी ये सही है ना कि आपके घर में 7 वेंटिलेटर आपने रखा था, देखिए पप्पू जी कोई भी व्यक्ति अपने घर में वेंटिलेटर नहीं रख सकता है,
आपने कहा ये जनता का पैसा है, मैंने उससे खरीद करके अपने घर में वेंटिलेटर रखा, जब डॉक्टर मांगते हैं मैं दे देता हूं। ऐसे नहीं हो सकता है पप्पू जी। अगर सारे चुने हुए प्रतिनिधि कहने लगे कि हम 7-10 वेंटिलेटर अपने घर में रखेंगे, जैसे आम आदमी पार्टी का इमरान हुसैन, इसने 640 सिलेंडर अपने घर में रखा हुआ है, मुझे मांगा जाएगा तो मैं दूंगा, क्यों? ये आप हॉस्पिटल में भर्ती करिए, ये 7-10-15 वेंटिलेटर कोई अपने घर में नहीं रख सकता। 5000 रेमडेसिविर का इंजेक्शन घर में नहीं रख सकता कोई भी। आपने कहा कि मेरा कोई पत्रकार साथी बीमार पड़ जाएगा तो मैं उसको भी नहीं, जरूरी नहीं है कि पत्रकार बिहार में, इस पर भी जवाब दीजिए। ठीक है, लेकिन बिहार की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जिस सरकार पर होनी चाहिए, वो सरकार इस वक्त लाचार नजर आ रही है। खुद अपने ही सिस्टम को बनाया और उसी को इस तरह से वो बर्बाद करने पर आमादा है। उसकी एक एक तस्वीर वहां की बेबसी की, वहां की लाचारी की गवाही दे रही है, और इसके लिए जेडीयू को और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। इसी पर जवाब दीजिएगा, बालू ढोने का काम एम्बुलेंस क्यों कर रहा है बिहार में, उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज का। इस कार्यक्रम का नाम हमने देर भी अंधेर भी इसलिए दिया है क्योंकि बिहार के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीनन वहां की सरकार और सिस्टम को लेकर कई सवालों को वो जन्म दे रही है। एक और तस्वीर सामने आई है, आप ये देखिए, ये एम्बुलेंस है, राजीव प्रताप रूढ़ी जी का नाम लिखा हुआ है उस पर। हालांकि ये बहुत छोटे, यानी कि तकरीबन 3 सेकंड का ये वीडियो है जिसमें बालू रखा जा रहा है, और ये ट्वीट किया है पप्पू यादव जी ने। इस तस्वीर के जरिए क्या बताना चाहते हैं पप्पू यादव आप? देखिए, एक बात मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं कि पहले बहन आप इससे पूछिए, मैं कोई फालतू बात में राजनीति नहीं करूंगा, इनसे पूछिए कि स्किल के तहत जो प्रशिक्षण वो ड्राइवर का, इनसे दूसरी बात पूछिए कि वो घर किसका है और पैसे किसके लगे, क्यों किसी निजी जमीन पर लगे। तीसरी बात पूछिए कि एम्बुलेंस खड़ी थी, जब एम्बुलेंस हर 1 किलोमीटर के लिए 12,000 रुपया ले रहा है, पीएम क्षेत्र में एम्बुलेंस के माफिया गोली चला रहे हैं, वहां पर मर्डर हो रही है, एम्बुलेंस के चलते लोग मर रहे हैं, आपने एक एक चीज को दिखाया है, सासाराम के वेंटिलेटर को दिखाया आपने, सहरसा को दिखाया, भागलपुर को दिखाया आपने, सारी अव्यवस्था दिखाई। मैं क्यों जाऊंगा मैडम, मैं क्यों निकलता हूं, खाना पहुंचाता हूं, डेली खाना लेकर के जाता हूं, मैं डेली ऑक्सीजन लेकर के जाता हूं, जो प्राइवेट लोग हैं जहां पर अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं वहां मैं एक सिलेंडर लेके जाता हूं और सिलेंडर मैं पहुंचा देता हूं, क्योंकि मैं उनको नहीं बुला सकता हूं, उनकी ये स्थिति नहीं है। रेमडेसिविर घर में कोई नहीं रखता, हमने कहा कि जब लोगों को जरूरत होती, जब उसके मां मर रहे थे, किसी की बहन मर रही थी, किसी का भाई मर रहा था रात के 2 बजे, तो पप्पू यादव कभी बॉम्बे कभी कहीं किसी से 20,000 में, किसी से 15,000 में हम ले करके किसी की मदद, यदि पप्पू यादव कर रहा है तो कौन सा गलती कर दिया, आपकी जिम्मेदारी थी, सरकार को पहुंचाना था, सरकार को उद्योग लगाने थे 580 भी आपने नहीं लगाया, आपने वेंटिलेटर नहीं खरीदे, आपका सारा वेंटिलेटर रुका हुआ 10-10 दिन तक, आप सही इलाज नहीं कर पा रहे। मृत्युंजय तिवारी जी की बारी ही नहीं आ पाई है, मृत्युंजय जी मैं फौरन आपके पास आती हूँ संबित पात्रा, लेकिन एम्बुलेंस में बोरियों में भर कर बालू रखा जा रहा है, एक वीडियो है, फेक वीडियो है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि एक फेक वीडियो का आज तक जैसे इतनी बड़ी चर्चा चला रही है। सर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने जब वो वीडियो चलाया, एक सेकंड संबित पात्रा, तो मैंने बोला कि ये वीडियो इन्होंने जारी किया है, ठीक है ना सर, मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहा कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है, और उन्हीं के वीडियो के आधार पर यहाँ पर बैठकर संबित पात्रा आप डिबेट करने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने ही एम्बुलेंस को लेकर खुलासा किया जिसके बाद आप कह रहे हैं कि वो लॉकडाउन में अकेले कैसे निकल गए। क्या फेक वीडियो है पप्पू यादव, आप फेक वीडियो जारी कर रहे हैं पप्पू यादव? अपनी बात रखेंगे तो लोग ज्यादा समझ पाएंगे, तुरंत डाउन किया जाए चिट्ठी का पात्रा, अब आपके कहने से तुरंत कौन सा वीडियो डाउन किया जाए, कौन सा उठाया जाए, ऐसा तो नहीं होगा प्लीज, है ना सर? अगर मैं भी सलाह देने लगूंगा हमारा चैनल कि आप बीजेपी में ये कीजिए, इनको उठाइए प्लीज, मुझे लगता है कि कम से कम एक प्रवक्ता को अपनी एक लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए। प्लीज संबित पात्रा, कौन सा वीडियो चलाया जाए, कौन सा वीडियो नहीं चलाया जाए, ये आप नहीं तय करेंगे, कुछ चैनल की जिम्मेदारी के लिए भी छोड़ दीजिए। और हम सब एक सेकंड समझे, मैंने खुद बताया है कि ये वीडियो जारी किया गया पप्पू यादव, क्या आप फेक वीडियो जारी कर रहे हैं? सीधा सा सवाल बताइए आप,
क्या झूठ बोल रहे हैं आप? यहाँ पर तुरंत चुनौती देता हूँ, एक वीडियो को जारी कर एक साल से बंगाल में जारी नहीं करते हैं, जब हमारी महिलाओं के साथ वहाँ पर रेप होता है वीडियो नहीं जारी करते, हत्या हो जाती है तब आप कहते हैं ये फेक वीडियो है, यहाँ पर फेक वीडियो जारी करके उसको डिबेट किया जा रहा है, यहाँ पर एक मेटाडोर के ऊपर राजीव प्रताप रूडी जी के नाम पर कुछ मिनटों के लिए ये वीडियो बनाया गया है, राजनीतिक कारणों से बनाया गया है और एक फेक वीडियो को ट्वीट करके राजनीति को भी सेकने की कोशिश की जा रही है और हम फेक वीडियो को डिबेट कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि इतने बड़े चैनल पे फेक वीडियो को डिबेट करने की आवश्यकता क्या है। संबित पात्रा प्लीज, ठीक है ये फेक वीडियो है या सही वीडियो है ये बाद में तय हो जाएगा, लेकिन जिस एम्बुलेंस को लेकर नहीं सर, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, जनता को दरअसल हम लोगों ने मारने के लिए छोड़ रखा है, आपको बंगाल भी देखना चाहिए और आपको बिहार भी देखना चाहिए। सर बिहार के अखबार उठाकर देखिए संबित पात्रा, वहाँ की स्थिति क्या है और बिहार के बारे में मुझे लगता है कि आप कम जानते होंगे, मुझे ज्यादा जानकारी है। वहाँ के अखबार को अगर आप खोलेंगे तो हर पन्ने पर आपको मर्डर की खबर लगातार मिलेगी। और एक सेकंड संबित पात्रा प्लीज, ये जो आप उठा, नहीं 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 सुनिए सर, ये जो आदत पड़ गई है ना आप लोगों की कि इस वीडियो को दिखाइए, इस वीडियो को नहीं दिखाइए, आप कौन होते हैं बताने वाले, आप कौन होते हैं बताने वाले कि हम क्या चलाएं क्या नहीं चलाएं। जब कल पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात करिए और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भी अपनी बात करूंगी, ये गलत बात है, ये आप तय नहीं कर सकते, ये गलत बात है। संबित पात्रा, मृत्युंजय तिवारी मैं सीधे आपके पास आते हुए पप्पू यादव आप जवाब दीजिएगा, मृत्युंजय तिवारी जी बीजेपी वाले और आपको ये 3 सेकंड का वीडियो आपने बैठे बैठे समझा, 1 सेकंड संबित पात्रा, संबित पात्रा प्लीज, एक जो गोलगोला बोलते हैं स्पष्ट बोलिए यहाँ पर दर्शकों, नहीं नहीं संबित पात्रा गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात, आप बिल्कुल किसी भी चैनल को इस तरह से इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे उसको क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, बिल्कुल क्या नहीं करेंगे आप, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, आपसे सवाल पूछ लिया एम्बुलेंस में आपको इतना चुप गया, आपसे सवाल पूछ लिया गया, अरे सबसे ज्यादा आपके विधायक चुने गए हैं वहां पर, सबसे ज्यादा आपके विधायक चुने गए हैं, आपको उसे जिम्मेदारी से परिचय देना चाहिए, अगर मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे हैं तो आपको पूछना चाहिए कि वहाँ पर इस तरह की स्थिति क्यों है, क्या आपने ये वीडियो सत्यापित किया, क्या सत्यापित किया, पप्पू यादव मैं पूछ रही हूँ, बैठे मैं पूछ रही हूँ, आपने कहा गलत है सही है, मैंने सीरियस सवाल पूछ लिया, ठीक है चलिए मृत्युंजय तिवारी जी, मृत्युंजय तिवारी जी सर, मृत्युंजय तिवारी जी की बात हो जाए थोड़ा, आरजेडी भी सर बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा उन्हीं के विधायक है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मौका दीजिए, थोड़ा सा मौका दीजिए सर, मृत्युंजय तिवारी जी ये खाली नहीं, सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, ये खाली विरोध ही करते रहेंगे आप लोग, आपके भी 75 विधायक है ना, कुछ काम कीजिए आप लोग भी, विधायकों में कुछ जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है। चित्रा जी हम लोग जितना काम कर रहे हैं ये सरकार 7 जन्म में नहीं कर पाएगी। अच्छा जब सरकार के देख रहा है सर वहाँ पर। जब सरकार के प्रवक्ता ही फेक बैठे हो जो सिर्फ झूठ ही बोल रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं, लाशों के ढेर पर बिहार है, यही नीतीश कुमार है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल है हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, वेंटिलेटर है ऑपरेटर नहीं है, और ये कह रहे हैं नीतीश कुमार है डबल इंजन की सरकार है। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, माननीय न्यायालय ने कहा है कि ये सेना के हवाले करना चाहिए, सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और जनता के साथ गद्दारी सबसे बड़ा महामारी है। चित्रा जी जिस तरह से ये सरकार ने जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है और ये सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, सर कुछ आप भी कर लीजिए, आपके 75 विधायक क्या कर रहे हैं बिहार में, सरकार की खाली आलोचना करने के लिए 75 विधायकों को यहाँ पर जिताकर भेजा है बिहार की जनता ने, हमारे विधायक मदद कर रहे हैं, आप देखिए चारों ओर हमारे लोग मदद कर रहे होते तो ऐसे बिहार तस्वीरें क्यों सामने आती बिहार के अलग अलग हिस्सों से, ये सरकार की जिम्मेवारी जवाबदेही बनती है ना, सरकार की तो जिम्मेदारी है ही, तभी तो उनसे सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन विपक्ष में अगर आप इतने मजबूत हैं तो आपकी क्या जिम्मेदारी है, हम तो सरकार को कह रहे हैं हमसे जो आप चाहते हैं सहायता हम खड़े हैं आपदा के समय में, लेकिन सरकार विपक्ष की सुनती नहीं है, सरकार मनमानी कर रही है, सरकार ने 15 वर्षों में चौपट कर दिया व्यवस्था को, ये मौत का तांडव हो रहा है, लाशों के ढेर लगे हुए हैं, असंख्य चिताएं जल रही है, चारों ओर चीख पुकार चित्कार है और ये बीजेपी के प्रवक्ता कुतर्क कर रहे हैं और सिर्फ बातों को गोल मटोल घुमा रहे हैं, ऐसे लोगों से बिहार की जनता गुस्से में है, और ब्याज के साथ बदला लेगी जनता,
आने दीजिए जनता को, जिस तरह बस हो गया, बस सब कुछ इलेक्शन का ही, इनको इलेक्शन का ही पड़ा हुआ है। लोग रो रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, में रोग लाशें जल रही हैं और ये बैठ करके कुतर्क कर रहे हैं कि ये एम्बुलेंस रखा। चित्रा जी, एम्बुलेंस से कितने लोगों की जाने बचाई जाती। चित्रा जी, इतने एम्बुलेंस को छुपा कर रखा जी, था। मैं जवाब देना चाहूंगा जी, उनके पास मैं आई हूँ तकरीबन 35 मिनट के बाद, एक बार उनकी बात तो हो जाए। प्रवक्ता ही फेक है तो वीडियो क्या, इनको वीडियो अपना जवाब दीजिए ना। आप किसके प्रवक्ता फेक है, किसके नहीं है, आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? मृत्युंजय तिवारी, आप अपनी बात कीजिएगा। मैं पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या गिना देते, दो चार काम गिना देते ना। अभी तो गोल गोल घुमा ही रहे हैं। 75 विधायकों वाली पार्टी है, खाली आलोचना के लिए थोड़ी ना जनता ने चुना है आपको। नहीं, हमने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया है। हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता विधायक सारे लोग काम कर रहे हैं, आप जमीन पर देख लीजिए। आ रही पप्पू जी, बोले समित पात्रा, ठीक है, आपने जो आरोप लगाया है जवाब सुन लीजिए। ठीक है सर, अब ये लोग झूठे लोग। देखिए चित्रा जी, मैंने बड़े ध्यान से सबको सुना और मुझे लगता है मुझे थोड़ा मौका बेरोक टोक मिलना चाहिए, क्योंकि मैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, चिल्लाना पड़ रहा है। फिर देखिए, फिर ये मुझे नहीं बोलने देंगे, फिर पप्पू जी नहीं बोलने देंगे। सुन लीजिए चित्रा जी, बारे में सुन लीजिए, सुन लीजिए, सरकार से आपने सवाल पूछा है, सुन लीजिए, जवाब तो सुनिए। सर जवाब सुन लीजिए, मृत्युंजय तिवारी प्लीज। झूठ बोलेंगे, देखिए फिर देखिए चित्रा जी शुरू हो गए, मेरे समय सब लोग बोलेंगे और मुझे बोलने को। अच्छा ठीक है, अब आपने सवाल खड़े किए हैं तो जवाब तो जानिए ना, ये सवाल खड़ा करके यूं ही निकल जाएंगे। ठीक है मृत्युंजय तिवारी, हो गई आपकी बात, समय पत्र जवाब दीजिए। ठीक है मृत्युंजय तिवारी, ठीक है, हो गई आपकी बात, आवाज तो कम कर दीजिए। ठीक है ठीक है, बोलिए समित पात्रा, बोलिए। धन्यवाद। देखिए चित्रा जी, मैं देखिए पहला जो इन्होंने एम्बुलेंस की जो वीडियो जारी की थी, 18 एम्बुलेंस की, हमने उसको कॉन्टेस्ट नहीं किया, हमने उस पर एक तथ्यात्मक जवाब दिया कि इस प्रकार से जवाब है। मगर जो दूसरी वीडियो जारी की गई है वो फेक हो गए। मैं फिर बीच, देखिए चित्रा जी ये उचित नहीं है, आप बोलिएगा एक बार संबित, जो कह रहे हैं उसको सुन लीजिए, फिर मैं आप ही के पास आऊंगी। ठीक है, वो चुप हो गए हैं, बोलिए संबित, बोलिए। देखिए जब पहला वीडियो था हमने उसमें तथ्यात्मक जवाब दिया, ये जो 3:40 सेकंड का जो दूसरा वीडियो जारी किया गया है, हमने पूरी पड़ताल की है, ये फेक वीडियो है। और मैं आज तक जैसे इतने बड़े और प्रतिष्ठित चैनल, देश का नंबर वन चैनल है, और चित्रा जी देश की नंबर वन एंकर है, चित्रा जी आप इसमें गुस्साइए मत। आप लोग हर हर डिबेट जो कट होता है, जो भी वीडियो होता है, उसका प्रत्यार्पण करने के बाद ही दिखाते हैं। आप इस प्रकार से एक फेक वीडियो को बिल्कुल मत दिखाइए। एक जो एम्बुलेंस इन्होंने जानबूझ के राजनीतिक कारणों से पेंट करके ये बनाया है, ये जिले का, सारण जिले का हर व्यक्ति जानता है, और इसमें राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। मैंने केवल 2 सवाल पूछे थे पप्पू जी से, पप्पू जी आपके एम्बुलेंस के बारे में तो मैंने जवाब दिया। पप्पू जी आप ये जवाब दीजिए, आप अपने घर में इतने सारे वेंटिलेटर जो रख रहे हैं, क्या ये कानूनन ठीक है? हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये अलग विषय है, एफआईआर तो हुआ है। क्या इतने सारे वेंटिलेटर कोई नेता अपने घर में रख सकता है? ये अलग विषय है, आप क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं उनको? मतलब वो इतना गलत काम कर रहे हैं, आप तुरंत गिरफ्तार कीजिए ऐसे लोगों को, तो बाहर रहने का हक नहीं होना चाहिए। चित्रा जी मैं पहले एक कंप्लीट कर लूं, पहले आपसे पूछता हूं चित्रा जी, आप मानती है ना कि 7-10 वेंटिलेटर किसी घर में रखना गलत काम? मानने से क्या होता है मेरे, जो बिहार की जनता माने वही मैं भी मानूंगी। मैं यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी की ओर से थोड़ी ना प्रवक्ता बन के बैठी हूँ, मेरे माने सर बिहार की जनता जो माने मैं वही मानूंगी। चित्रा जी आप एक शो की जज हैं और आप पढ़ी लिखी महिला भी हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको कानून की समझ भी है, 10 वेंटिलेटर आप अपने घर में रख सकती हैं क्या? नहीं रख सकती हैं। हाँ, गिरफ्तार, आप कह रही है कि तुरंत गिरफ्तार कर लो, वो कानून काम करेगा। दूसरा, 5,000 रेमडेसिविर का इंजेक्शन इन्होंने खुद कहा, मैंने किसी से 20,000 में खरीदा, किसी से 50,000 में खरीदा। आप ऐसे नहीं खरीद सकते हैं। आप जिससे 50,000 में रेमडेसिविर का इंजेक्शन खरीद रहे हैं, तुरंत रिपोर्ट करिए कि फलाना व्यक्ति 50,000 में मुझे रेमडेसिविर का इंजेक्शन बेच रहा है। पप्पू जी आप अच्छा काम कर रहे होंगे, लोगों की मदद बिल्कुल कर रहे होंगे, मैं उसको कंटेस्ट नहीं कर रहा हूं। मगर आप एक चुने हुए प्रतिनिधि रहे हैं, एक बड़े नेता हैं, आप किसी से 50,000 में रेमडेसिविर खरीदेंगे तो ये किस प्रकार का न्याय स्थापित कर रहे हैं? क्लोजिंग कमेंट जल्दी से पप्पू यादव जी, जमाखोरी कर रहे हैं आप, आपके खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है, और आप फेक वीडियो जारी कर रहे हैं जो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, बालूवाला। स्वागत है, जांच करा लें हाईकोर्ट के जज से, और इनको कहिए कि 5,000 रेमडेसिविर ये भी ले करके बांट दें, क्या दिक्कत है? नहीं कर सकते हैं, ये गैर कानूनी है। मैं 5,000 से बांट दूं, इनको चुप, इनको बांट रहने बोलिए, 5,000 इनको चुप रहने बोलिए ना, वो चुप है, ये बोल मरेगा, अस्पताल में मेरा भाई मरेगा, मेरा बेटा परेशान होगा, पड़ोसी परेशान होगा, बिहार परेशान होगा,
बिहार के एक एक घर परेशान होंगे और उनको रेमडेसिविर, डेक्सोना, सोलू और विटामिन सी नहीं मिलेगा। अगर 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 यहाँ पर सुनिए सुनिए तो मेरी वही बात सर, सुनिए ना परिवार के लोग सर, मेरी बात तो सर इस तो मैमे से बाहर निकलते हैं, लेकिन कम से कम मुझे लगता है जो जिम्मेदार वहाँ के बड़े नेता हैं उनको अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। और इस तरह से एम्बुलेंस अगर धूल फाकेंगे या फिर धूप सेकते हुए दिखाई देंगे तो सवाल पूछा जाएगा सत्ताधारी पार्टी से कि आखिर इस तरह की स्थिति के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह क्यों है, कौन है। और इसके साथ ही वहां पर अलग अलग हिस्सों में जनता लगातार, उनके परिजन, उनके जो मरीज हैं वो दम तोड़ रहे हैं और सरकारें यहां पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में ही जुटी हुई हैं। बिहार की जनता सब देख रही है, इस बात का एहसास सभी को होना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए। बिहार में कितनी बहार है नीतीश कुमार तो है, ये अपने आप में बड़ा सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की बेबसी की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसने बिहार सरकार को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं 22 से 25 के बीच एम्बुलेंस रखी हुई है, कहीं अस्पतालों पर ताले पड़े हुए हैं, तो कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, तो कहीं जो वेंटिलेटर्स हैं वो धूल फांक रहे हैं। इसीलिए हम सवाल पूछ रहे थे कि क्या बिहार में देर भी है और अंधेर भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।